हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेपाइएस। आप सभी का प्रेपाइएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स 22 की प्रिपरेशन के लिए प्रेपाइएस ने 100 डेज कोर्स लॉन्च किया है और ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा प्रीलिम्स 22 को क्रैक करने में। एब्सोल्युटली फ्री है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं करना है। एंड फ्रेंड्स, इस कोर्स में लगातार 100 डेज तक हम आपको टारगेट्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें टॉपिक्स, उनसे जुड़े वीडियोस के लिंक एंड स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ये टारगेट्स डेली मंडे टू सैटरडे 10 PM पे आपको मिलेंगे, जिन्हें आपको नेक्स्ट डे पूरा करना है और फिर आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हो। किस तरह से? 9 PM पे डेली क्विज होगा, जिसमें उसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपने उस दिन प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अप टू डेट 12 के टारगेट्स मैं आपको दे चुका हूँ, शनिवार को, सैटरडे को, संडे रिवीजन के लिए मैंने आपको दिया और आज है डे 14 जिसके टारगेट्स मैं आपको देने वाला हूँ। आई होप इससे पहले के सारे टारगेट्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, तो हम आते हैं आज के टारगेट्स पे। फ्रेंड्स, हमने दो सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं, वन इज पॉलिटी एंड सेकंड इज एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो पॉलिटी में आज का आपका टारगेट है सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। इससे पहले वाले टॉपिक हम प्रीवियस टारगेट में कर चुके हैं, एंड इंटर स्टेट रिलेशन। और ये आपको कहाँ से करना है, ये वीडियो का लिंक मैंने आपको दिया है, इसमें सिद्धार्थ सर ने काफ़ी अच्छे से ये टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा सेकंड टारगेट है एंशिएंट इंडिया और इसमें 4 चैप्टर्स हम लोग करने वाले हैं। देखिए, नंबर्स पे मत जाइए, इनको करने में हार्डली आपको 1 आवर लगेगा और ये चारों टॉपिक इस वीडियो से आप कंप्लीट कर सकते हैं। केवल 1 आवर आपको देना होगा। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट विद एशियन कंट्रीज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंशिएंट फेज एंड सीक्वेंस ऑफ सोशल चेंजेस। ठीक है, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। इसके अलावा देखिए, हम लोग क्लास 11 की NCERT भी कर रहे हैं, फाइन आर्ट्स वाली, तो उसके 2 चैप्टर्स आपको करने होंगे, चैप्टर नंबर 5 और 6, लेटर मुराल ट्रेडिशंस एंड टेम्पल आर्किटेक्चर। ये आपको खुद से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगर आपके पास इंडियन आर्ट की बुक नहीं है तो आप NCERT की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्लास कौन सी है? 11th है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट आपको वहाँ पे डालना होगा वो फाइन आर्ट्स डालना होगा, तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, हिस्ट्री मत डालना, फाइन आर्ट्स आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये डाउट आया था। इसके अलावा देखिए, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो आज का आपका टारगेट क्या रहेगा? पॉलिटी पार्ट 3। तो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, अब रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने होंगे। और ये कहाँ से करोगे? ये लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, एक बार फिर से बता दूँ ये सारे लिंक आपको कहाँ मिलेंगे। जैसे ही ये सेशन एंड होगा तो कमेंट में पिन कर देंगे, नंबर 1। सेकेंड थिंग, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये सारे लिंक्स मिल जाएंगे। जहाँ तक PDF की बात है, स्टडी मटेरियल की बात है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी। ओके, तो अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ वंस अगेन, तो देखिए क्या क्या आपको प्रिपेयर करना होगा। जहाँ तक पॉलिटी की बात है, तो फाइनेंशियल रिलेशन एंड इंटर स्टेट रिलेशन, लक्ष्मीकांत से मैं बता रहा हूँ, तो ये टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। इससे पहले वाले जो कि लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो उससे आगे आज करेंगे। जहाँ तक RS शर्मा एंशियंट इंडिया की बात है, तो देखिए हर्षा पीरियड हम लोग कर चुके हैं, है ना, पहले हमने कर लिया था, अब उसके आगे हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 23, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंशियंट फेज एंड सीक्वेंस ऑफ सोशल चेंजेस। देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, बट इसको करने में आपको हार्डली 1 आवर ही लगेगा। ओके, जहां तक NCERT की बात है, तो देखिए NCERT में लेटर मुराल ट्रेडिशंस
एंड टेम्पल आर्किटेक्चर स्कल्पचर ये हमें करना होगा। एंड फ्रेंड्स एक और बात मैं बता दूं, इसी के साथ जो हमारी आर एस शर्मा है वो कंप्लीट हो जाएगी। जो लास्ट चैप्टर वो इतने काम का नहीं है ऑलरेडी, आप एक बार देख लेना, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस कर ली है प्रीवियस चैप्टर्स में, ठीक है। तो इसी के साथ जो आर एस शर्मा है वो हमारी ख़त्म भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके आज के टारगेट्स हैं, आई होप आप इनको कल पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, केवल और केवल हमारे चैनल प्रेप आईएएस को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है। एब्सोल्युटली फ्री है, किसी भी तरह का कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है, और खुद को रजिस्टर करना होगा, क्यों, ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। और ये कहाँ से कर पाओगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिलेगा, उसको आपको फिल करना होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे फ्री कोर्सेज, इसी के साथ प्रीलिम्स 22 के लिए हमने पेड कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं। एक है टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, एक है मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप प्रोग्राम में एडमिशंस क्लोज हो गए, क्यों, क्योंकि सीट्स एकदम फुल हो गई हैं, ओके। तो उसमें हमने एडमिशंस क्लोज कर दिए हैं। अभी टेस्ट सीरीज ओपन है, ये ऑलरेडी 1st of February से स्टार्ट हो चुकी है। एकदम कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करवा रहे हैं, 32 पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 3 times रिवीजन हम लोग इंश्योर कर रहे हैं, ठीक है। NCERT, स्टैटिक, डायनामिक सब चीज़ें हम लोग कवर करवा रहे हैं, और केवल 5900 रुपी में, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ओके, तो आपको डेफिनेटली ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। कैसे करोगे, आप चाहें तो ये इंटरेस्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ये फॉर्म भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इस लिंक पे जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो ये कोर्स लॉन्च वीडियो है, इसमें पूरी डिटेल्स दी हुई है, आप देख सकते हैं, ओके। एंड इस लिंक में आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी बचती है तो ये फॉर्म भर दीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको रिजोल्व किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट आज के टारगेट्स एंड हमारे पेड कोर्सेज के बारे में। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इन लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में इतना ही, आई होप आप कल ये सारे टारगेट्स कंप्लीट कर लेंगे, और फिर 9 PM पे क्विज होगा जहां पे आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।